देख सकते हो भाई तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है सामने, देख सकते हो भाई बहुत दिन से मैंने इसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतजार मैंने किया है, बोल सकते हो भाई यानी 2 या 3 साल से मैंने इंतजार कर रहा हूँ भाई इस बाइक को लिए। एरिया देख सकते हो भाई बहुत ही सुनसान जगह है, लेकिन जगह नहीं है भाई बहुत ही मस्त जगह है। जल्दी जल्दी भाई कमेंट करो बाइक होगा कौन सा बाइक नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी बाइक देखने के पहले भाई अभी कमेंट करो भाई। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब, तो देख सकते हो भाई आज जो भाई ब्लॉग बन रहा है भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है गाइस। तो ये भी देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो भाई जो मैंने बाइक लेके रखा है भाई, और आज मैंने इसको ओपन करेंगे, आज आपको सामने लेके आएंगे गाइस मैंने कौन सा बाइक लिया है। अभी तक जिन जिन लोगों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना गाइस। तो बहुत दिन से मैंने इसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार मैंने किया है, बोल सकते हो भाई यानी 2 या 3 साल से मैंने इंतज़ार कर रहा हूँ भाई इस बाइक को लिए। तो देख सकते हो भाई खाली मैदान पे आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए, तो इसीलिए इधर पे आ गया गाइस। देख सकते हो बहुत ही एरिया देख सकते हो भाई बहुत ही सुनसान जगह है, लेकिन जगह नहीं है भाई बहुत ही मस्त जगह है, कोई बात नहीं। हर ब्लॉग पे भाई कमेंट भी जरूर चाहिए गाइस। तो मैंने भाई बाइक जो ले लिया गाइस तुम्हारे प्यार से मोहब्बत से, सभी लोग बोलते हैं भाई एक भाई भाई परचेस करो कौन सा बाइक है, वो जल्दी जल्दी भाई कमेंट करो कौन सा बाइक होगा कौन सा बाइक नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी बाइक देखने के पहले भाई अभी कमेंट करो भाई कौन सा बाइक है और कौन सा नहीं है। तो फाइनली आज थोड़ा सा राइड भी करेंगे इस बाइक के लिए और देखते हैं भाई रोड का मजा भी लेंगे गाइस। कोई बात भाई अभी अभी इसको ओपन करके और ओपन करके दिखाएंगे गाइस। तो यहां का बाइक मैंने लेके रखा है गाइस। तो सभी लोग भाई देख ही लिया कौन सा बाइक मैंने लेके रखा है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई इस बाइक को देख के। देखो भाई एक बार आपको फिर से एक बार आपको सब कुछ डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे गाइस। तो आज भाई इसमें भाई राइड करेंगे, राइड करके भाई देखेंगे कितना अच्छा लगता है भाई। इस बाइक देख सकते हो फुल स्टॉक पे है इस बाइक अभी तक, देख सकते हो भाई इसका मीटर बहुत ही कद नज़ारा भाई, कुछ अलग देखने को मिलेगा। नेकेड वाला बाइक मैंने ज़्यादातर चलाया है लेकिन इतना वाइजर वाला नहीं चलाया है, और इसका जो साइलेंसर देख सकते हो भाई फुल स्टॉक है, कोई भी कुछ कराया नहीं है अभी तक। आपको भाई एक शॉट देती हूँ भाई, बाइक का शॉट लेके देखती हूँ भाई, आपको शॉट दिखाती हूँ गाइस। तो कैसा लगेगा जरूर कमेंट करके जरूर बताना गाइस। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. गाड़ी का जो शॉट है आपको लेके देखा दिया गाइस। जो फेयरिंग बाइक है इसमें चलाने का थोड़ा सा दिक्कत भी होगी, तो इस बाइक में चलाने का आदत नहीं है ना, तो मेरे को भाई इस बाइक पे हाथ सेफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इतना ओवर स्पीड नहीं करेंगे। नेकेड बाइक बहुत अच्छा से चलाया है, लेकिन जितना भी बोलो भाई कोई बात नहीं। तो आज भाई इस बाइक पर चलाएंगे, राइड भी करेंगे, देखते हैं भाई कैसा लगता है भाई। ये बाइक भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है भाई इस बाइक को देख के भाई, ओह क्या लग रहा है भाई। सामने का लुक भी देख सकते हो, मेरा भाई सामान भी देख सकते हो यहाँ पर गिरा है, वो भाई चीज़ भाई मैंने यहाँ पर गिर दिया और बाइक भाई यहाँ पर है। तो आज भाई इसको जल्दी जल्दी पैक करेंगे और इसको लेके निकलेंगे गाइस। तो यहाँ पर रोड के ऊपर इसका आवाज़ सुनते हैं कि इसका आवाज़ कैसा है और कैसा नहीं है। इसको पहले न्यूट्रल करते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चोक भी लगाया, ओह स्टैंड भाई। तो इसका आवाज़ भाई सुनते हैं इसका आवाज़ अंदर है कि नहीं। कोई भी मज़ा आएगा क्या इस बाइक का? आवाज़ भाई नॉर्मली है, कोई बात नहीं है गाइस। तो फिर इसको चलते हैं भाई राइड पे और थोड़ा भाई राइड भी करते हैं भाई, कैसा लग रहा है भाई फास्ट? तो ऑफ रोडिंग करने का बाइक नहीं है भाई ज़्यादातर, तो पूरा फाइजर पे भाई कवर है इस बाइक जो 100 लेके भाई इधर उधर चला जाता हूँ मैं ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो ये बाइक भाई ऑफ रोडिंग करने का कोई हालत भी नहीं रखेगा। अगर ऑफ रोडिंग करेंगे तो भाई इस बाइक भाई सब कुछ टूट जाएगा। तो भाई फाइनली देख सकते हो भाई बाइक रोड पे ऊपर आ गया 20 के ऊपर। ओह मज़ा तो भाई
लेना ही चाहिए भाई इस बाइक पे। ओ और गर्मी का हालत भाई सोचो भाई, थोड़ा सा भाई बाइक को भगाएंगे क्या। मैं 100 का तो भागा के भाई हाई स्पीड बाइक मैंने लेके रखा है, तो इस बाइक भाई कितना तक जाएगा मुझे मालूम नहीं है। जो भी है एक बार भगाते हैं भाई इस बाइक को। ओह 105 मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या बताओ गाइस। ओह रिलैक्स बेबी रिलैक्स, थोड़ा स्लो चल भाई। इसमें भाई हॉर्न भी है, मेरा 100 पे भाई हॉर्न भी नहीं था। थोड़ा केयरफुल, इतना हाथ भाई सेफ नहीं है ना इसीलिए इस बाइक पे, भाइजर वाला बाइक पे ऐसा वाला काट मैंने कर नहीं पा रहा हूँ तो। लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, नेकेड वाला बाइक भाई चला के भाई बोर हो चुकी हूँ, तो इसीलिए भाई स्टीयरिंग वाला बाइक पे भाई कुछ ट्राई भी करना चाहिए, इसीलिए भाई इस बाइक को मैंने परचेस किया है भाई। मेरा घर से भाई बोल दिया तो, लेकिन बाइक थोड़ा सा स्लो चलाना है, एक बार एक्सीडेंट हो गया दूसरा बार चांस नहीं मिलेगा ऐसा बात बोला है मेरा घर पे। तो घर पे अभी तक बताया नहीं भाई इस बाइक को मैंने परचेस भी किया है, तो घर पे कोई भी बंदा जानता नहीं है, लेकिन तो मैंने बस बोला है इस फ्रेंड का है बाइक, तो इसी काम से भाई चला रहा हूँ बाइक को लेके। लेकिन घर पे मेरा एक ही जानता है भाई, मेरा माँ ही जानता है भाई, माँ के बोल के रखा है, माँ मैं बाइक लेने के लिए जा रहा हूँ आज, मैं बाइक लेके आज घर पे आऊँगी। बाइक लेने के लिए माना भी कर रहा था लेकिन फिर से मैंने ले लिया, एक बार हो जाए गाइस। तो बाइक पे भाई थोड़ा सा भाई अच्छा खासा टान भी है, तो 155 जाता है भाई, सभी लोग बोलता है भाई इस R15 पे इतना दमदार है, लेकिन भाई इसका सीसी कम है, लेकिन भाई सीसी के ऊपर भाई चला जाता है ऐसा बात है, सीसी के ऊपर भाई टक्कर देता है इस R15 गाइस। R100 को लेके ज़्यादा देर घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा कम होता था, आसपास ही मैं रहता हूँ भटकता हूँ R100 को लेके। उसका जो पेपर्स वगैरह है सब कुछ सही नहीं था, इसीलिए पेपर्स तो है लेकिन सब कुछ फेल था ना, इसीलिए पुलिस के चक्कर कौन पड़ेगा, इसीलिए उसको ज़्यादातर बाहर लेके नहीं जाता हूँ। और इस बाइक भाई चलाने का थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है मुझे, और इसका जो हाथ देख सकते हो भाई, मेरा हाथ भाई लाल हो चुकी है। दोनों हाथ लाल हो चुकी है। ज़्यादातर राइड करके भाई हाथ भी सेव करना पड़ेगा, इतना डाउन होके भाई चलाना पड़ता है, तो इतना गर्मी पड़ रहा है भाई, तो इतना गर्मी में भाई कोई भी बारिश नहीं हो रहा है, सभी लोग भाई दुआ भी कर रहे हैं बारिश के लिए। तापमान इतना जा रहा है भाई 45 तक पहुंच चुकी है भाई, वेस्ट बंगाल का तापमान भाई ऐसा लग रहा है भाई, प्यार से भाई चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो R100 था बहुत ज़्यादा लाउड था, और उसका जो शोर था उसका जो वाइब्रेशन था भाई उसको हिला के रख देता है मुझे, ऐसा बात है। और मेरा जो 100 पे भाई तेल खाता था मुझे भाई 18-20 तक माइलेज देता था R100 पे, इतना भी माइलेज मिलता था, लेकिन इसमें कितना मिलेगा भाई। तो थोड़ा सा भाई पेट्रोल पंप देख के भाई पेट्रोल भी भरना चाहिए, तो ये का बहुत ही ऊंचा है, यानी कुछ अनोखा लग रहा है भाई देख के। थोड़ा सा भाई पेट्रोल भी यहाँ पर डालते हैं, फर्स्ट टाइम पेट्रोल डाल रहा हूँ 200 का। अभी तक पेट्रोल डाल चुकी है, ये जो हाईवे पे थोड़ा सा बाइक को भाई ऐसे ऐसे लहराएंगे लहराएंगे नहीं भाई, इतना कॉन्फिडेंस फील भी नहीं मिल रहा है इस बाइक के ऊपर, तो ऐसे भाई काट मारूँ ना तो भाई कॉन्फिडेंस फील नहीं मिल रहा है मुझे। ओ प्यार से ब्रो, लेन तो बहुत प्यारा मार रहा हूँ मैं। भाई इसका भाई लिमिटर हिट करने वाले गाइस, चेक मारो गाइस, बहुत प्यारा नजारा है भाई, 108, 109, 110 सनसेट को देख सकते हो भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी तक डूब गया लेकिन तब भी चल रहा है भाई, 155 सीसी का बाइक है, और इसको 55 सीसी पे इस बाइक जाता है, सो ये लोग भाई बोलता है जो 55 सीसी बाइक है इसको 55 सीसी पे उठता है। दाना मेरा मैंने बाइक को लेके यहाँ पर आ चुकी हूँ गाइस, तो अंधेरा भी हो जाएगा
कुछ टाइम के बाद भी। तो आज का राइड था यही तक था, तो आपको दिखाना था तो इसलिए भाई दिखा दिया। कल से भाई राइड फाइड जो भी है कुछ करेंगे थोड़ा बहुत। गाइस देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, यानी ब्लू कलर भाई बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगता है मुझे, और ब्लैक भी भाई मैट ब्लैक भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ब्लू इन द बेस्ट। गाइस तो देख लिया बाइक को, तो जल्दी जल्दी भाई सभी लोग भाई कमेंट करो, कमेंट से मुझे बताओ कैसे लगा कैसे नहीं लगा। गाइस तो फिर मिलते हैं वारे इंटरेस्ट वीडियो लेके, तब तक खाओ पियो मस्त और ऐसा प्यार बरसाते रहो गाइस।